दोस्तों मूवी ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे जाइंट क्रिएचर्स की जो इमेजिनेशन है उसे हमारे आंखों के सामने पेश करता है। और जाइंट स्नेक्स की मूवीज देखना हम में से बहुत से लोगों को पसंद है, इसीलिए एक दिन के पूरे रिसर्च के बाद 6 बेहतरीन स्नेक्स के मूवीज की लिस्ट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 6 पर है 2001 में रिलीज हुआ बोआ एके न्यू अल्कट्राज। दोस्तों इस मूवी में एक जाइंट स्नेक के बेहतरीन हॉररेबल सीन्स दिखाया गया है और इस मूवी को 6 नंबर पर रखने का सिर्फ एक ही कारण है, मूवी में उस जाइंट स्नेक को उतना रियलिस्टिक तरीके से नहीं दिखाया गया है और बाकी मूवी के सेट स्टोरी स्क्रीन प्ले काफी ठीक ठाक है। तो दोस्तों अगर बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो मूवी में दिखाया गया है एक जेल के अंदर एक बहुत ही विशाल जाइंट स्नेक आ जाता है। अब जेल के अंदर फंसे हुए गार्ड्स और क्रिमिनल्स उस जाइंट स्नेक के साथ कैसे डील करता है और वो उस स्नेक से बच पाते हैं या नहीं वही देखने लायक है मूवी में। इस मूवी की कंक्लूशन में यही कहना चाहूंगा, अगर आप जाइंट स्नेक्स की मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको जरूर एंटरटेन करेगा। नंबर 5 पर है 2004 में रिलीज हुआ बोआ वर्सेस पाइथन। दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे फ्री में देख सकते हैं। और इस मूवी में भी एक कमी मुझे नजर आई है, वो है स्नेक की जो विजुअल्स दिखाया गया है वो उतना दमदार नहीं है। दोस्तों विजुअल्स को अगर हटाकर देखे तो मूवी बहुत ही जबरदस्त है, आपको एंटरटेनमेंट में कहीं कमी नहीं महसूस होगा। तो बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। मूवी के प्लॉट में कुछ लोगों को दिखाया गया है जो जानवरों की स्मगलिंग करते हैं और एक दिन उनके केज से एक जाइंट पाइथन छूट जाता है। अब उस पाइथन को पकड़ने के लिए बोआ नाम के और एक स्नेक को रिलीज कर देते हैं। अब मूवी को देखने लायक बात यह है कि वो लोग उस जाइंट पाइथन को पकड़ पाते हैं या नहीं। मूवी में एंजल बोरिस और आदम केंड्रिक की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही जबरदस्त था। नंबर 4 पर है 2008 में रिलीज हुआ एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं बेस्ट स्नेक्स मूवीज की तो एनाकोंडा मूवी सीरीज के हर एक मूवी बेस्ट है। इस मूवी के प्लॉट में दिखाया गया है एक लैब में दो जाइंट स्नेक्स को टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन एक दिन वो दोनों एनाकोंडा उस लैब से छूट जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है और उन विशाल सांपों को रोकने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है। अब वो लोग उस स्नेक को कैसे रोकते हैं वही देखने लायक है मूवी में। दोस्तों मूवी में उन सांपों की विजुअल्स बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है, उसके साथ साथ मूवी के स्टोरी डायरेक्शन स्क्रीन प्ले बहुत ही जबरदस्त है। डेविड हसलहॉफ और क्रिस्टन एलन ने जो परफॉर्मेंसेस दी है वो देखने लायक है मूवी में, तो इसे जरूर देखें क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्नेक मूवी है। दोस्तों आप सोचिए अगर आप किसी प्लेन पर है और उसी दौरान बहुत से जहरीले सांप प्लेन में आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, उसी चीज को आप एक्सपीरियंस करने के लिए नंबर 5 पर रखा है स्नेक्स ऑन ए प्लेन। मूवी के प्लॉट में दिखाया गया है नेविल फ्लेन नाम के एक FBI एजेंट जो रोल सैमुअल जैक्सन द्वारा निभाया गया है। वो सिन जोन्स जो कि एक विटनेस है उसे प्लेन से लॉस एंजल्स ले जा रहे हैं, लेकिन अचानक 400 से भी ज्यादा जहरीले सांप रिलीज हो जाता है और पैसेंजर्स पर अटैक कर देता है। अब मूवी को देखने लायक बात यह है कि उस प्लेन के पैसेंजर्स उन जहरीले सांपों से बचने के लिए क्या क्या करते हैं और अंत में वो लोग बच पाते हैं या नहीं। दोस्तों ये मूवी दूसरे स्नेक्स मूवीज से बहुत ही अलग है, चाहे आप मूवी के स्टोरी की बात करें या सेट की, तो इस जबरदस्त मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 2 पर 1997 में रिलीज हुआ यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है एनाकोंडा। दोस्तों इस मूवी का जो विजुअल इफेक्ट्स है वो बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि ये मूवी 1997 में रिलीज हुआ एक बहुत ही ओल्ड मूवी है। और एक बात बता दूं, इस मूवी ने एनाकोंडा सीरीज के दूसरे मूवीज से बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा अर्निंग की है। अगर बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो मूवी में दिखाया गया है कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए एक जंगल पर जाते हैं और बाद में उन लोगों पर एक बहुत ही विशाल एनाकोंडा अटैक कर देता है। अब मूवी को देखने लायक बात यह है कि वो लोग उस एनाकोंडा से बचने के लिए क्या क्या करते हैं और वो लोग बच पाते हैं या नहीं। मूवी में जाइंट एनाकोंडा के बहुत ही बेहतरीन सीन्स देखने को मिलता है और मूवी में हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही पसंदीदा परफॉर्मेंस की है। अगले नंबर पर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मूवीज रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल आइकन पर भी प्रेस करें। नंबर 1 पर है 2004 में रिलीज हुआ यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्चिड। दोस्तों इस मूवी में जो एनाकोंडा स्नेक्स दिखाया गया है वो आपको रियलिस्टिक वाला एक्सपीरियंस देगा और उसके साथ ही साथ मूवी का जो बेहतरीन स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन है आप पूरा सेटिस्फाई होने वाले है। तो चलिए मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। मूवी के प्लॉट में दिखाया गया है एक बायोलॉजिस्ट के टीम अमेजन जंगल पर जाते हैं ब्लड ऑर्चिड नाम के फ्लावर के लिए जो बहुत ही कीमती फ्लावर है और वहाँ पे वो लोग बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा सांपों के बीच फंस जाते हैं। अब मूवी को देखने लायक बात यह है कि वो लोग कैसे उन सांपों के साथ मुकाबला करते हैं। दोस्तों मूवी में बहुत ही जबरदस्त स्नेक्स के सीन्स दिखाया गया है, तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो इसे एक बार जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।